फिजिक्स का एक और जबरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ सेकंड के अंदर में। चलो तो आइए देखते हैं क्या है। बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि यार वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप फिजिक्स के कोई भी फॉर्मूले के अंदर, खास करके अगर वो वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे यहां पर देखिए वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी लिखा है। बच्चों इस सिचुएशन में आपको अपना हाथ चलाने आना चाहिए, राइट पाम रूल यहां पर अप्लाई करना होता है। जैसे यहां पर ए क्रॉस बी लिखा, अब ए वेक्टर है और दे रखा है कि एक्स डायरेक्शन में है, बी आपका वाई डायरेक्शन में है, तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी, तो ए पर लेके गए, उसके बाद फिर बी, बी के साइड में अपना हाथ चलाइए, थंब को ओपन कर दीजिए। थंब कहां जा रहा है, बाहर की तरफ, मतलब बेसिकली बाहर का डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ सी। अक्सर ऐसे सवाल आ जाते हैं आपके मैग्नेटिज्म के अंदर, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी ऐसे की तरफ आ रही है, अगेन V क्रॉस B, तो ये है वेलोसिटी और क्रॉस अंदर की तरफ है, थंब खोल दीजिए, तो ये डायरेक्शन आपका किसका हो गया बच्चों, फोर्स का। यहां देखिए IL क्रॉस B, I into L, ये रहा करंट ऐसे चल रहा है और क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये मैंने अपने हाथ को ऐसे चलाया, फिर क्रॉस में B, B कर दिया, थंब को ऊपर की तरफ कर देंगे, तो फिर ये डायरेक्शन किसका हो गया, फोर्स का। हर बार बच्चों आप लोगों को A क्रॉस B के डायरेक्शन में अपने पाम को चलाना है एंड यू विल गेट योर आंसर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे और भी अमेजिंग ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।